किया है ये फिल्म करने से पहले चांदनी बार मैं डेफिनेटली आई एम प्लेइंग द वन ऑफ द वेरी गुड कैरेक्टर इन दिस फिल्म विद द सॉन्ग्स ऑफ कोर्स जब तक सॉन्ग्स में मेरे भाई ठुमके ना हो मेरे तो कैसे चलेगा आपको लगवाने मेरे ठुमके तो मैं दोस्तों ये बताना चाहती हूँ जैसे फिल्म चांदनी बार वन थी उससे बिल्कुल बिल्कुल हटके हैं वो सुपर हिट थी ये सुपर डुपर हिट होगी किसी का नाम नहीं लूंगा बट ये इसी जॉनर की फिल्म बनाता है या ये इसी जॉनर की फिल्म बनाता है हमको जो स्क्रिप्ट टच कर दिया हम वो स्क्रिप्ट यूज करते हैं भले फिर वो रियलिस्टिक हो या रोमांटिक हो या फिर एक्शन हो या लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ से जब तक आ नहीं आएगा तब तक शायद हम उसको आ नहीं बोलेंगे तो ये मायने नहीं रखता है कि वो रियलिस्टिक है या कुछ ईस्ट है या वेस्ट है और वो जो लड़कियां जो बेघर है उनको वहाँ पे जॉब मिलेगा बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा आर आर पाटिल जी जब थे तो डेफिनेटली काफ़ी साल हो गए उन्होंने बार बंद कर दिया अब हमें नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है चांदनी बार का जो बार खुलने वाला है कि नहीं बट हम लोग या वी आर मेकिंग हमारे प्रोड्यूसर साहब संजीव दर्शन हम लोग एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं चांदनी बार 2 जिस तरह से सक्सेस हुई थी चांदनी बार 1 तो ये फिल्म भी वैसे ही मसालेदार फिल्म बनेगी एंटरटेनिंग बनेगी बहुत ही अच्छा म्यूज़िक होगा और आई प्रॉमिस यू दैट के इसमें मेरा कैरेक्टर भी बहुत ही अमेजिंग होगा और भी लड़कियां हैं और भी बहुत सारे स्टार्स हैं फिल्म में कैरेक्टर्स हैं बहुत ही अमेजिंग ये फिल्म बनने वाली है देर इज़ नथिंग रॉन्ग वो उन लड़कियों के साथ मैं हूँ हमेशा हूँ हर बार गर्ल के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँ डेफिनेटली सरकार सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी डेफिनेटली हम सच्चाई भी बताएंगे ना कि इसमें कितना कौन कौन इन्वॉल्व है सुबह वोट मांगते हैं बहन जी बोलते हैं रात को बार में कैसे पहुंच जाती है हम सारी कहानी बताएंगे ना व्हाई नॉट ये हम लोग एक रियलिस्टिक पे फिल्म बना रहे हैं बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे जो एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म से किसी की भी होंगी एग्जैक्टली 10 साल के बाद आ रही है एक अलग बेंचमार्क सेट किया था जब चांदनी बार आई थी एक अलग पहचान बनाई थी अपनी और 10 साल की आई एम श्योर ये जो ब्यूटीफुल जर्नी रही है टू क्रिएट द सीक्वल आई एम एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ गोना बी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ 2017 तक इसकी स्टोरी है मार्च टिल आज तक की स्टोरी है और हमने यही दिखाया है कि बार बाला जो ये बंद हुई थी बार्स बंद हुए थे तो उसके बाद उनका क्या हुआ था उन्होंने सुसाइड किया था कुछ लड़कियों ने कुछ लोग चली गई थी कुछ बाहर चली गई थी तो उसी सब चीज़ों पे ये डिपेंड है और एक छोटे से गरीब फैमिली की बार बंद होने के बाद एक गरीब फैमिली की लड़की एक सेलिब्रिटी कैसे बनती है उसमें हमने ये दिखाया उसका जर्नी है वो पूरा बस आपसे यही करते हैं कि आप लोगों का साथ है और बस आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा थैंक यू सो मच